मेरा बना है जीवन मेरा। नमस्कार दोस्तों, एजे पार्टी में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग दुर्गा माता का ट्रेंडिंग स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर आपको एक नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इसी तरह से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उसी तरह से इंटरफेस आने के बाद इधर नीचे आपको प्लस वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सब फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपना फोल्डर है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने फोटो रहेंगे जो कि यहाँ से अपने 30 फोटो आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से अपने 30 फोटो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो उसी तरह से यहाँ से मैं 30 फोटो रहेंगे वो ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से जल्दी जल्दी मैं 30 फोटो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो उसी तरह से यहाँ से हमारा 30 फोटो है वो हो गए और यहाँ से आपको तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों ऊपर ओरिजिनल लिखा हुआ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको म्यूजिक वाला ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से अपना म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम अपना म्यूजिक को ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हम अपना म्यूजिक रहे तो दोस्तों यहाँ से अपना म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से यहाँ से हम अपना म्यूजिक है वो ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से म्यूजिक बीट पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने बीट है कुछ इसी तरह से आपको बीट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों उसी तरह से इधर से मैंने पहले से ऐड करके रखा है तो उसी तरह से आपको अपने बीट है वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको यस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी बीट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसे आपको जूम थोड़ा कर लेना है जो कि आपके बीट रहेंगे आप सही से सेट कर पाओगे। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ब्लैक स्क्रीन एक लिरिक्स वीडियो उसे ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैं लिरिक्स को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इधर प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा और कुछ ही देर में हमारा जो वीडियो रहेगा वो उधर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से हमारा जो ब्लैक स्क्रीन स्टेटस रहेगा वो उधर ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें अपने बीट के हिसाब से सभी पोस्ट को कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से हम अपने बीट के हिसाब से सभी पोस्ट को कर देते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ से आपको कुछ इसी तरह से कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको अपने पूरे इफेक्ट को आपके बीट के हिसाब से कर देंगे। करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, अपना इफेक्ट रहेगा वो अलग तरह का रहेगा। तो यहाँ से अपने इफेक्ट रहेगा जिसे इधर से आपको एफेक्ट्स में जाना है और एफेक्ट्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा इफेक्ट रहेगा वो थोड़ा अलग तरह का रहेगा। तो इधर से आपको क्या करना है, अपने इफेक्ट को पहले इधर आपको साइड राइट का इफेक्ट देखने को मिलेगा ये ऐड कर लेना है। उसी तरह से इसे आपको ऐड कर लेना है और उसी तरह से कम यहाँ से आपको 15 सेकंड तक आपको साइड राइट वाला इफेक्ट ये का ये ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से साइड राइट तक आपको ये का ये इफेक्ट को ऐड कर लेना है। उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम 15 सेकंड तक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ तक आपको अपने इफेक्ट को कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है और यहाँ से हमारा इफेक्ट रहेगा वो अलग तरह का रहेगा। तो इधर हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हमारा इफेक्ट रहेगा वो अलग तरह का रहेगा। तो यहाँ से आपको एंडिंग तक आपको एक ही इफेक्ट अलग तरह का यूज करना पड़ेगा क्योंकि देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हम 15 सेकंड पर आ गए और यहाँ से एफेक्ट्स में जाना है। एफेक्ट्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा इफेक्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम यहाँ पर आपको एक ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा तो ये ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ये वाला आपको दोस्तों यहाँ से आपको 15 सेकंड तक आ जाना है। 15 सेकंड तक आने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा वो अलग रहेगा। तो एफेक्ट्स में जाना है और यहाँ से हमारा इफेक्ट रहेगा आपको इधर एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको जूम इन वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा ये ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से एंडिंग तक आपको जूम इन वाला इफेक्ट है ये का ये ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। तो दोस्तों देख सकते हो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पर करके यस पे क्लिक कर देना है जो कि वीडियो रहेगा इजीली आपको मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।